हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्कर्ष निःशुल्क टैबलेट योजना में जिले की 38 बालिकाओं ने टैबलेट प्राप्त किए। कन्या पूजन के साथ हुआ थार की बेटियों सम्मान। उत्कर्ष के प्रेरक पहल निःशुल्क टैबलेट योजना में प्रदेश के 33 जिलों की 1000 होनहार बालिकाओं को टैबलेट वितरित किए गए। उत्कर्ष निःशुल्क टैबलेट योजना में प्रदेश की लगभग 80,000 बालिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिन्होंने स्तर 2019-20 में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। प्रदेश की उन सभी बालिकाओं में से 18 अक्टूबर को ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से 1000 भाग्यशाली बेटियों का टैबलेट के लिए चयन हुआ, जिसमें जिले की 38 बेटियों का चयन हुआ। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर और विद्या भारती समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला मुख्यालय स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय लंगेरा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले की 38 भाग्यशाली बेटियों का कन्या पूजन कर टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का श्री गणेश विद्या भारती के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना के साथ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती परिवार के जिला अध्यक्ष भगवान दास मालू की व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले गढ़पाड़ में रावल त्रिभुवन सिंह राठौर रहे। इसी प्रकार कार्यक्रम में भाग्यशाली बालिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए नारी शक्ति अवार्ड विजेता श्रीमती रूमा देवी, सेवा भारती के जिला अध्यक्ष नारायण दास राठी, थार के वीर टीम के जिला संयोजक रघुवीर सिंह सोड़ा, तामलौर पूजा छात्र संघ अध्यक्ष समाज सेवी स्वरूप सिंह खारा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान युग ऑनलाइन शिक्षा का है और उत्कर्ष संस्थान इसे साकार रूप दे रहा है। उन्होंने बताया कि उत्कर्ष ने थार की बेटियों के भविष्य को टैबलेट के माध्यम से नई दिशा व दशा प्रदान की है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि राष्ट्रीय नारी शक्ति अवार्ड विजेता श्रीमती रूमा देवी ने बेटियों को शिक्षा से आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि उत्कर्ष एक मुहिम है दूर दराज की बालिकाओं के सपनों को हकीकत में बदलने की। इसी कड़ी में थार के वीर टीम के जिला संयोजक रघुवीर सिंह सोड़ा तामलौर ने युवाओं और बेटियों को राष्ट्र हित में कार्य करने का संदेश दिया। तामलौर ने बताया कि उत्कर्ष ने जिले की 38 बेटियों पर विश्वास जताया है, ये बेटियां निश्चित रूप से जिले व उत्कर्ष का नाम रोशन करेगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में सेवा समिति से नारायण दास राठी, समाज सेवी स्वरूप सिंह खारा ने भाग्यशाली बालिकाओं को आशीर्वाद प्रदान किया। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उत्कर्ष संस्था के प्रतिनिधि तनसुख पालीवाल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना में बताया कि उत्कर्ष क्लासेस की सीईओ एवं फाउंडर श्री निर्मला गहलोत की प्रेरणा से आज राजस्थान के 33 जिलों में 1000 भाग्यशाली बालिकाओं को टैबलेट वितरित किए गए, जिसमें बाड़मेर जिले की 38 बालिकाओं को टैबलेट वितरित कर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि निःशुल्क टैबलेट प्राप्त करने वाली भाग्यशाली बेटियों को टैबलेट के साथ आजीवन निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आयोजन किया गया। बालिकाओं और उनके अभिभावकों को मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ ही प्रवेश दिया गया। कार्यक्रम की इसी कड़ी उत्कर्ष संस्थान की तरफ से तनसुख पालीवाल व स्वरूप सोलंकी ने आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय समिति को 51,000 रुपए का चेक सप्रेम भेंट किया। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में उत्कर्ष पूर्व छात्र परिषद के सदस्य मूल सिंह, जितेंद्र सिंह और चेतन शर्मा व्यवस्थापक की भूमिका में रहे। कार्यक्रम में उत्कर्ष क्लासेस के पन्ना लाल और कमल किशोर के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर के प्रवीण सिंह मीठड़ी, भोम सिंह सुंदरा, विजय शर्मा, विजेंद्र गोदारा, सीमा जांगेट, विक्रम चारण, भभूति सिंह, मनोहर चारण के साथ शहर के युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समाप्ति पर विद्यालय के प्राचार्य जालम सिंह राजपुरोहित ने धन्यवाद ज्ञापित कर शांति मंत्र से कार्यक्रम का विसर्जन किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की।